ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। अंबिकापुर शहर में अब महिला पुलिसिंग की टीम नजर आने लगी है। चूंकि महिला सुरक्षा को लेकर शहर के भीतरी और मुख्य मार्गों पर नजर आएगी। अपराधों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से बनाई गई टीम प्रशिक्षण लेने के बाद महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा महिला पुलिस टीम ने ले लिया है। 12 सदस्यों की ये महिला पुलिस टीम अपने स्कूटी में सवार होकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों, स्कूल और महाविद्यालयों के बाहर भी गश्त करती नजर आएगी। अंबिकापुर शहर में अब आम जनता के बीच पुलिस की मौजूदगी लगातार रहेगी। अपराधों पर नियंत्रण लाने सरगुजा पुलिस की कप्तान भावना गुप्ता ने 12 सदस्यों की टीम का गठन किया है, जो रोज शहर के कोने कोने तक पहुंचेगी और अपराधियों का सबक सिखाएगी। सरगुजा पुलिस की टीम ये सुबह ही शहर के विभिन्न स्कूलों और महाविद्यालयों के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देगी, जिससे छात्राओं को छेड़खानी और छींटाकसी करने वाले बदमाश लोगों से निजात मिलेगी। साथ ही ये टीम ऐसे बदमाश को पकड़ेगी जिसे थाना ले जाकर अपराधों में संलिप्त होगा, उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। महिला पुलिस टीम को हरी झंडी दिखाकर जिले की पुलिस कप्तान भावना गुप्ता ने रवाना किया है। मीडिया से चर्चा करते हुए पुलिस कप्तान ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टीम का गठन किया गया है, जो कि शहर के विभिन्न संदिग्ध इलाकों और भीड़भाड़ वाले जगहों में इनकी लगातार गश्ती होगी। आज सरगुजा पुलिस द्वारा माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय के सतत मार्गदर्शन में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महिला गश्त टीम का गठन किया गया है। ये टीम जो है पिछले 10 दिन से विशेष ट्रेनिंग प्राप्त कर रही थी और आज से सुचारू रूप से ये सभी जो संदिग्ध इलाके हैं, भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पे ये गश्त करेंगे। और देखिए, इसका बेसिक मोटिव यही है कि अपराध को की रोकथाम के लिए जो है एक विजिबल पुलिसिंग बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जहाँ पे भी ज़्यादा तादाद में पुलिस की प्रेजेंस होती है, विशेषकर महिला पुलिस की प्रेजेंस होती है, वहाँ पे एक सुरक्षित वातावरण निर्मित होता है। और इस टीम को विशेष रूप से इसी के लिए तैयार किया गया है कि जो भी इस तरह के वॉयलेशंस हो रहे हैं, जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, जब स्कूल कॉलेजेस के छुट्टी के टाइमिंग्स हैं, वहाँ पे ये टीम बनी रहेगी और तमाम, चाहे मोटर व्हीकल अधिनियम के वॉयलेशंस हों, चाहे ईव टीजिंग छेड़छाड़ की शिकायतें हों, उस पे जो भी आरोपी हैं उन पे तत्रीव कार्रवाई करें।